शुरुआत करें फिर चार का चौका की। सचिन बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अरुण जी, यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प ने फ्रेश लाइफ आए बनाया है एंड जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी 4100 का कॉल ऑप्शन चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। जनवरी का अगर हम डेटा देखें तो 185 के आसपास ये स्विंग हो रहा है। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 230 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 155 पे लगाए एंड खरीदारी करें हीरो मोटोकॉर्प के 4100 के कॉल ऑप्शन में। ओके, हीरो मोटोकॉर्प का 4100 का कॉल। आशीष जी आपका ट्रेड। भारतीय एयरटेल का चार्ट सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। कल इसमें इनफैक्ट ब्रेकआउट आया था और स्ट्रॉन्ग 2.25% का एक मूव देखने में मिला, जिसमें क्लियरली देखने में मिला है कि 1000 और 1020 वाले कॉल राइटर्स जो है वो ट्रैप होते हुए देखने मिले। मुझे लग रहा है कि इसमें आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है तो 1050 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1010 का, ये कैश के लेवल्स मैंने डिस्कस किए। ओके, भारतीय एयरटेल में आपको 1031.50 पे फ्यूचर्स बाय करने हैं। याद रखिएगा सारे ट्रेड्स जेन फ्यूचर्स पे फोकस कीजिएगा। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ जी के सौजन्य से आएगा। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी विरेन जी, मैं ITC पिक कर रहा हूँ। बाजार में हमने देखा कि सारे अंडर परफॉर्मर्स अब कहीं ना कहीं परफॉर्म करने शुरू कर रहे हैं, लाइक HDFC बैंक हैवी वेट, रिलायंस ने भी नीचे से काफी कैचअप किया है। ITC का पर्टिकुलर चार्ट देखे तो इसमें बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है और रिसेंटली स्टॉक ने एक छोटा सा ट्रायंगुलर ब्रेकआउट भी दिया अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो आज कंफर्म हो रहा है। तो ITC अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इसकी बारी आ रही है टेक्निकली देख के। 459 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 453 का और टारगेट्स रहेंगे 475 के। ओके, ITC 469 पे आपका ये बाय ट्रेड है और अच्छा करता हुआ, और मैं भी सुबह से आई थिंक आज ITC पे काफ़ी सकारात्मक हूँ। बहुत दिनों बाद इसका प्राइस बिहेवियर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। कुछ देर में बात करेंगे इस पिक पर फिर से, इसकी जो ऑप्शन सेटअप है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी उस पर फोकस करेंगे। हिमांग जी आपका मिड कैप फंडा। मेरा मिड कैप पिक है सोना कॉम्स, प्राइस करीबन 625 के आसपास है, इसका टारगेट रहेगा 720 रुपये। और जो ईवी का थीम है वो काफी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है और ये कंपनी की अगर आप देखें तो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज या रेवेन्यू स्ट्रीम वाइज काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, बैटरी, माइक्रो हाइब्रिड, पावर सोर्स न्यूट्रल और ज्योग्राफी वाइज भी काफी अच्छा सा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। हमें लगता है कि ये जो स्पेस है वो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से काफी अच्छा रहेगा और क्योंकि ओला का जो IPO भी लॉन्च्ड है और थोड़ा एपेटाइट लोगों का अच्छा रहेगा, इसका रब ऑफ भी सोना फॉर्म्स पे आ सकता है। तो ये मेरा चार का चौका की पिक है। ओके, सोना BLW ये आपकी पिक रहेगी मिड कैप फंड में। चार के चार ट्रेड्स जो है वो आपके स्क्रीन पे एक करके फेंक देता हूँ। हमने जो क्रम था आज सचिन जी से शुरू किया सस्ता ऑप्शन का, वो ट्रेड था हीरो मोटोकॉर्प, शानदार मूव इस स्टॉक में अभी भी, और 230 के टारगेट के लिए इसके 4100 की कॉल को खरीदते हैं आपको। कल बजाज ऑटो के सुपर स्विंग के बाद आज शायद हीरो मोटोकॉर्प की बारी है। आशीष बहती जी ने दूसरा ट्रेड पिक किया आज का FNO सुपरस्टार, और उन्होंने भारतीय एयरटेल पिक किया 1024.85 पर ट्रेड करता हुआ 1050 के लक्ष्य के लिए। चार के चमत्कार में अमित सेठ जी ने आज ITC को पिक किया एट 459.60 ट्रेड करता हुआ 475 के लक्ष्य के लिए, और जो हिमांग जी की आज मिड कैप फंडा की कॉल थी कुछ देर पहले उन्होंने आपके साथ शेयर करी सोना BLW पिछले सन। अनुज